सो so, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे आज हम स्टार्ट करें हमारे ऑडिट का सी फाइनल ऑडिट प्री फास्ट ट्रैक बैच एंड दिस बैच विल बी इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश ओके मेरा नाम सी ए शिवम नागपाल है मैं सी इंटर एंड फाइनल लेवल पर ऑडिट एंड आई का फैकल्टी हूं इस बैच को इस फास्ट ट्रैक बैच को हम कवर करने वाले हैं यूजिंग अवर मैजिक बुक ऑफ ऑडिट ओके इस बुक में समराइज कर दिया है कंप्लीट ऑडिट को विद हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन आंसर इंक्लूडिंग द स्टडी मेटेल इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन आरटीपीज एम टी पी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सब कुछ ही कवर कर लिया है सिर्फ दो सौ पचास पेजिस के अंदर ओके okay, इसको हम काउंट करते हैं बोथ साइड पेज दिस साइड एंड दिस साइड ओके अगर पूरा पेज काउंट करते हैं तो बनते हैं वन ट्वेंटी फाइव इसको हम बोथ साइड काउंट करते हैं तो बनते हैं टू फिफ्टी पेजेस वाले ओके okay, तो हमने पूरा ऑडिट समराइज कर दिया है ओनली टू फिफ्टी पेजिस विद क्वेश्चन आंसर हमने बहुत सारे दिए इसमें टेक्निक्स क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट के लिए लर्न करने के लिए एंड दिस इज शोर एंड कंसाइज इन चार्ट फॉर्मेट की को हमने हाईलाइट कर दिया है जिसके आई से आपको मार्क्स देता है हमने मेंशन किया है हर क्वेश्चन के अंदर ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है ये आरटीपी का है ये एमटीपी का है ये इल्यूट्रेशन है स्टडी मटेरियल की सब कुछ उसमें मेंशन किया गया है ओके okay. आपको मिलेगी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट जो आपको मस्ट लर्न करने ही है हमने बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए हैं अंडरस्टैंड करने के लिए ऑडिट को एनिमेशन को यूज किया है मोटिवेशन कोर्स दिए हैं आपको मोटिवेट रखने के लिए हमने बहुत से चार्ट यूज करे हैं पिक्चर्स यूज कर है, यूज करे करे हैं हैं डायग्राम और और आपको मिलेंगे इसके अंदर थ्री रिविजन पैंस सो इट्स मैजिक ओके सो इट्स मैजिक ये हमारी मैजिक बुक है जो एक वन शॉर्ट सोल्यूशन है फॉर यूर ऑडिट एग्जाम राइट हाँ अगर आपको इसके सैंपल देना चाहिए इस बुक के तो आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मैं आपको दिखा भी देता हूं ये देखिएगा ये हमारी मैजिक बुक है दिस इज फॉर सी एफ एस ऑडिट ये हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था तो आपको मिलेगी मेमिटिक्स वगैरह और हमने सारे क्वेश्चन भी कवर कर लिए क्वेश्चन ऑफ द Okay? तो सब कुछ कर रखी है diagram, सब कुछ कर लिया, सारे क्वेश्चन कवर रखे स्टडी का क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन है, है सारे क्वेश्चन है सारे आंसर कर रखे ओके नाउ इसके बाद हम देखते हैं आगे ओके okay. एक हमारा है यहां पर ऑडिट का मैजिक बैंक अब सारे क्वेश्चन उस बुक में कवर है सारे क्वेश्चन एंड उस मैजिक बुक में कवर है 250 सौ पेज के अंदर तो ये बैंक कहां से आ गया इसमें क्या है देखिएगा जो हमारे क्वेश्चन हैं हमारे 60 से लेकर 70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारी बुक के अंदर 100 परसेंट कवर हो गए हैं पूरे के पूरे कवर हो गए हैं मैजिक बुक के अंदर लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर बहुत बड़े बड़े हैं दो पेज के आंसर है इनके, जो हमारे 30 से लेकर फोर्टी ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर बहुत बड़े बड़े हैं तो उसको हमने समराइज कर दिया है वो हमारी मैजिक बुक में तो है मैजिक बुक में सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट है लेकिन जो थर्टी परसेंट ऐसे क्वेश्चन कर दिया है जिसका हमने करक्स लिया है या समराइज कर दिया है तो अगर आपने इन क्वेश्चन को इन डेप्थ पढ़ना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं दिस इज ऑप्शनल देखिएगा आपको एग्जाम में लिख के तो वही आना है जो आप लर्न करना है उसमें से लेकिन आपको रीड जस्ट रीड करना है वंस आपको तो आप इसे कर सकते हैं दिस इज ऑप्शनल ओके जस्ट वंस रीड ओनली जब हम क्वेश्चन को मार्क करेंगे इंपोर्टेंट वाले उसको पढ़ लीजिएगा बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके अदरवाइज यू कैन स्कीप इट आल्सो नो नीड टू टेक प्रिंट बाय ओनली सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी की आपको कोई नीड नहीं, नहीं है हाँ हमने अवेलेबल करवा किया लेता है तो ले सकते हैं लेकिन कंपल्सरी नहीं है इस ऑप्शनल तो ओके okay, इससे कुछ फीचर हमें यहाँ पे दे रखे हैं इसको आप पढ़ सकते हैं ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे मैजिक बुक में ऑलरेडी हैं बस तीस परसेंट क्वेश्चन है उसको हमें हमें रीड करना है तो रीड कर सकते हैं थ्रू दिस दिस मैजिक इज क्लियर आगे देखते हैं अब बारी आती है यहां पर एमसीक्यूज की हमारे एग्जाम में आते हैं थर्टी मार्क्स के एमसी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और काफी स्कोरिंग एरिया है ओके यहां पर जो एग्जाम है वो मार्क्स इजिली कट नहीं कर पाता सो तो आई ने क्या किया है यहां पर बहुत सारे ऐड करे हैं एमसीक्यूज न्यू एमसीक्यू ऐड करे हैं केस बेस इन स्टडी मटेरियल के अंदर ओके okay. उन एमसीक्यूज में क्या है आईसीए ने पहले दिए में कुछ क्वेश्चन भी है थ्योरी वाले थ्योरी वाले क्वेश्चन भी है उसके अंदर फिर उसमें एमसीक्यूज भी है उसमें एमसीक्यूज भी, भी है उस केस स्टडी के अंदर ही तो हमने सारी इसको ऐड कर दिया गया है यहां पर इस एमसीक्यू बैंक के अंदर ओके okay. यहां आपको एमसीक्यूज मिलेंगे चैप्टर वाइज हंड्रेड परसेंट स्टडी मिलेगी आपको सारे एमसीक्यू मिलेंगे तो आईसी न्यू एड करे हैं जो आपकी एमसीक्यू बुकलेट थी पहले वाली उसको हमने कर लिया है जो आपके रेलिवेंट है यहाँ पर आर टीपीपीज सब कुछ एड कर लिया गया हम सारे एमसीक्यू कवर, साथ साथ कवर करेंगे अलग से इनकी वीडियो होंगे ओके तो आपने इनको एक बार कवर कर लिया बट एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज करना तो उसके लिए आपके लिए यहां पर है एमसीक्यू एंड लिमिट बेस्ड समरी आपको मिलेगी सारे सारे एमसीक्यूज की समरी स्मॉल एमसीक्यूरी एंड पॉइंट फॉर द मिलेगी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के वाले है, तो आप इसको दे सकते हैं, तो काम बन जाएगा इससे ओके नाउ आपको मिलेंगे बैंक क्रोडिट संभरी हो गया लाइक like एनबीएफ की हो गई जो हमारे एस एस के नेम हो गए कारोवेक्लोजेस हो गए विद मेमोरी टेक्निक्स एंड द एथिक्लोज विद मेमोरी टेक्निक्स एंड एनालिसिस ओके सो दिस बुक विल हेल्प टू स्कोर फुल बाय फुल इन एम सी क्यूज ओके आगे हम देख लेते हैं तो, हाँ आपको एग्जाम से पहले एक मैराथन भी मिलेगा इस पूरे ऑडिट को रिवाइज करने के लिए सुपर फास्ट रिविजन इसकी ओके okay. आगे देख So, देखिएगा जो हमारे सारे के सारे चैप्टर्स हैं जो हमारा फ्री फास्टेग बैच है ऑडिट का तो उसके चैप्टर वगैरह रहने वाले हैं वो आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो इसका शेड्यूल है वो हमने शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर उसको आप देख सकते हैं एक्सेप्ट एसेज पार्ट ओके जो आपका एसेज का पार्ट है वो यूट्यूब पर नहीं होगा तो उसके लिए आपको आप मिलेगा एक सेपरेट लिंक आपको मिलेगा एक सेपरेट लिंक उसके लिए कैसे मिलेगा देखिएगा ऐसे स्टूडेंट को बाई किया है जो हमारी मैजिक बुक है उसको उन्होंने बाई किया है तो उनको मेल पे एक लिंक आएगा ओके अगर आप बुक में इंटरेस्टेड नहीं है आप खाली इस बैच को लगाना चाहते हैं कोई बात नहीं आपके लिए फ्री है ये बैच ओके नोट वन टू बाई द बुक कोई बात नहीं आपके लिए बैच फ्री है वाला फ्री फास्ट ट्रैक वाला जो यूट्यूब पे है उसको आप देख सकते हैं लेकिन जो लिंक का पार्ट uh, है एसेज वाला ये आपको कैसे मिलेगा तो आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर आपको ऑर्डर प्लेस करना है इस एसेज पार्ट के लिए जिसका प्राइस रहेगा जीरो ओके आपने ऑर्डर प्लेस करना है अपनी जो डिटेल है वो फिल करनी है आपका जो ईमेल आईडी उसको फिल करना है ओके तो आपका आईडी मिल जाएगा आपको इसका लिंक आप उसको कवर कर सकते हैं राइट जो शेड्यूल है वो हमारे हमने शेयर कर दिया है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका ओके सो जो इन टेलीग्राम ग्रुप शेड्यूल इसका आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चलिए सो हाउ वी विल स्टडी हमारी स्टडी करने की क्या अप्रोच रहेगी आवर स्टडी अप्रोच ओके देखिएगा हम पूरे पूरे ऑडिट को क्लास में ही लर्न करने वाले हैं राइट right, आपको घर पे लर्न करने की कोई नीड नहीं, नहीं है हम सब कुछ सब कुछ सब कुछ क्लास में ही लर्न लेंग कर लेंगे लेकिन हम क्लास में उसको रटेंगे लेकिन साथ साथ उसको okay? हम समझेंगे भी ओके कैसे समझेंगे इन प्रैक्टिकल मैनर विद रियल लाइफ एग्जांपल्स विद एनिमेशन अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम समझेंगे पूरे ऑडिट को इन प्रैक्टिकल मैनर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड एनिमेशन ओके हम लर्न कर लेंगे हंड्रेड क्लास में ही ओके okay, हम सब कुछ क्लास में ही लर्न करने वाले हैं ना आगे देखिएगा अंडरस्टैंडिंग हाँ हम कवर करेंगे चैप्टर को थ्री स्टेप के अंदर हम कवर करेंगे चैप्टर को थ्री स्टेप के अंदर ओके वन टू एंड थ्री पहले हम क्या करेंगे हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका लेंगे ओवरव्यू उसके लेंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिक एंड बैकग्राउंड एंड ओवरव्यू। हम क्यों पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को हम इसको क्लियर करेंगे हम क्या पढ़ने वाले चैप्टर हम, हम, हम लेंगे हरे की, उसको हम लर्न भी कर लेंगे क्लास के अंदर चैप्टर कंप्लीट हो गया जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है दोबारा रिवाइज करेंगे हम इस में पढ़ने वाले हैं हर एक चैप्टर को हमारे ऑडिट के फर्स्ट बैच के अंदर आगे देख लेते हैं हाँ जी ना जो इसके सैंपल्स के लिंक है ये आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ओके हमारी जो वेबसाइट है जहां पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है आपको अगर आपको लिंक चाहिए एस वाला तो आप प्लेस कर सकते हैं आपको, आपको बुक चाहिए तो आप बुक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा साथ ही हम यहां पे लॉन्च कर रहे हैं सीरीज़ जो हमने शेयर करा है आपका टेस्ट राइट अगर आप देना चाहते तो उस डेट पर दे सकते हैं जो हमने उसमें डेट लिखी हुई शेड्यूल के अंदर या फिर आपको जो डेट अच्छी लगे आप उस डेट पर भी उस को दे सकते हैं एंड दिस विल बी पेड टेस्ट इसमें होंगे आपके तीन टेस्ट जो आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे को चैप्टर कलेक्शन होगा उसके आपके होंगे तीन टेस्ट प्लस आपका एक होगा ओरल टेस्ट एक होगा आपका ओरल, और तीन होंगे आपके चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज मिक्स हो, जो आपके मिक्स हैं ओके okay, जो उसका शेड्यूल है शेयर कर रखा है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो आपका फास्ट फास्टेक का शेड्यूल है उसमें लिखा गया है इसके बारे में कि कब कौन सा टेस्ट होना है आपने उसको देना तो दे सकते हैं उस डेट के ऊपर उसके बाद देना तब तो भी दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे ओके okay, तो इसको मैं खुद चेक करूंगा और आपसे कमेंट करूंगा कि आपने कहा मिस्टेक करी है कहाँ मार्क्स कर रहे हैं देखिएगा ऑडिट एक थ्यूरी सब्जेक्ट है ठीक है इसमें जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो भी मैटर करती है तो अगर आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं अच्छे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिल पाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज को ताकि आपके मार्क्स में अच्छे से अच्छे आए ओके आगे चलते हैं हम पर आप कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर राइट ओके एक बात रह गई हमारी यहाँ पर देखिएगा अब जब भी रिजल्ट आता है टीचर शो करते हैं कि हमारे इतनी रैंक आई इतनी रैंक आई हमारे बच्चों के इतने मार्क्स आए इतने मार्क्स आए पर वो ये नहीं देखते कि वो दिखा तो रहे हैं दस से बीस बच्चों के भाई हमारे जगह मार्क्स आए हैं लेकिन जो हजारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फेल हो गए उनके सब्जेक्ट के अंदर चाहे उन उनसे ऑडिट ही पढ़ रहे थे वो बट हमारा पर्पज क्या है हमारा पर्पज है कि सभी स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहे हैं ऑडिट पढ़ रहे हैं एडिटी पढ़ रहे हैं उनका मार्क्स कम से कम आए 60 प्लस okay. ओके तो आज ही आप लिख दीजिए इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर दीजिए कि आई विल डेफिनेटली स्कोर 60 प्लस इन ऑडिट आप आज ही कमेंट कर दीजिए और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा तो आप वहां पर लिख दीजिएगा कि मैंने कितने मार्क्स वहां पर स्कोर करे एक्चुअल के अंदर तो सब कुछ पब्लिक होना चाहिए अगर आप हमारी बुक से पढ़ रहे हैं तो आप कितने मार्क्स आए कितने स्टूडेंट ने कितना टारगेट किया था सब कुछ पब्लिक होना चाहिए ओके हमारा है कि सभी के सभी इसमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें सबके लिए जो ऑडिट है वो ईजिएस्ट बन जाए यहाँ पर ओके ओके तो मिलते हैं हम यहाँ पर लेक्चर नंबर वन के अंदर जो हमारा रहेगा यहाँ पर सी एफ एस ऑडिट का जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑडिट Okay? Goodbye, Dosto.